नमस्कार, मैं हूं प्रियांक सौरभ और आप देख रहे हैं बिहारी डॉट न्यूज। आज हम पहुंचे हैं पटना के कंकर बाग में और आज हम मिलाएंगे आपको एक खास इंसान से। जी हां दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो आम इंसान से अलग होते हैं। वो शारीरिक बनावट के रूप में अलग हो या मानसिक विकास के मामले में अलग हो या विभिन्न तरीक़ों से वो हमारे बीच में होने के बावजूद भी हमसे कुछ अलग होते हैं। आपने फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार ऋतिक रोशन को देखा होगा। उनकी एक खासियत है, उनके पास 5 नहीं 6 उंगली है एक हाथ में, और उस उंगली की वजह से वो काफ़ी फेमस भी हैं, जैसा कि हम सुनते आए हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम इतना उंगली पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, अचानक ऋतिक रोशन की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। आपने मुहावरा भी सुना होगा, बहुत तरह का उंगली को लेकर मुहावरे बने कि उसके उंगली सभी के सभी उंगली घी में है, तो मेरे मामले में उंगली मत करना, तरह तरह के मुहावरे बने, मुझे उंगली मत दिखाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज उंगली पर इतना चर्चा क्यों कर रहा हूँ। दरअसल हम जहाँ भी पहुँचे हैं तो यहाँ पे हम एक उंगली को लेकर फेमस इंसान से मिलने के लिए पहुँचे हैं। जी हाँ, पटना के कंकड़बाग में रहने वाले मनीष कुमार जी से आज हम मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। और उनकी खासियत मैं आपको बता दूँ कि वह एक ऐसे इंसान हैं जिनके पास हाथ और पैर के उंगलियों के मिला के कुल 25 उंगलियां हैं। आइए हम करते हैं उनसे एक छोटी सी बातचीत। नमस्कार मनीष जी, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। सबसे पहले मैं लोगों को बता दूं, ये मनीष कुमार जी हैं और ये पटना के कंकड़बाग के रहने वाले हैं। इनकी खासियत ये है कि ये दिखने में आपको भले ही सामान्य इंसान लगते हैं, लेकिन इनकी उंगलियों की जो संख्या है वो सामान्य इंसान से अधिक है। दरअसल इनके दोनों हाथ दोनों पैरों में अगर उंगलियों की संख्या को देखी जाए तो कुल कितनी उंगली है? 25 उंगली है। 25 उंगली है। मनीष जी, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं पटना बिहार से हूँ, कंकड़बाग का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बताएं कि मनीष जी, आप थोड़ा सा अपना उंगली दिखाएं हमारे दर्शकों को। आप देख सकते हैं कि इनके एक हाथ में 6, उसमें 7, 7 है, 7-7 उंगलियाँ एक एक हाथ में हैं, और पैर में भी इनकी बहुत ज़्यादा उंगलियों की संख्या है जो कि एक सामान्य इंसान से ज़्यादा है, 6 और 5। जी, 7 दोनों हाथ में, 7-7 14, 1 पैर में 6, 1 पैर में 5 11, टोटल 25 उंगलियाँ हैं हमारी। मनीष जी, ठीक है, बहुत ही ये तो ताज्जुब की बात है, हमको बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप ये बताएं कि आप एक आम इंसान से हट के हैं इन सब मामलों में, जी, तो समाज में इसका क्या प्रभाव है, आपको कैसा महसूस होता है समाज में? 7-7 उंगली हमारे हैं तो लोग कुछ अच्छा भी कहते हैं कि अच्छा है, लकी है ये, कुछ लोग देखते हैं अरे क्या है ये, कैसा है। मैं हैंडीकैप भी हूँ थोड़ा सा, तो उससे भी थोड़ा सा समाज में लोग थोड़ा मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ लोग अच्छे भी कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा लड़का है ये मेरे बिहेव से, कुछ लोग फ्रेंड भी बने हैं इसके कारण कि नहीं भाई लकी है, यही रिस्पॉन्स मिलता है। नेगेटिव भी मिलता है, पॉजिटिव भी मिलता है, लेकिन नेगेटिव ज़्यादा लोग हैं समाज में, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं चलो और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ते हैं। और मैं सरकार से मैं यही एक अपील करना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम पे ध्यान दें और मेरे अपील को थोड़ा सा करें। ये काफ़ी मैंने गवर्नमेंट फॉर्म भी भरा, मैं इंटर किया हुआ हूँ, गवर्नमेंट फॉर्म भी भरा हूँ, लेकिन आज तक हैंडीकैप का भी कोई फ़ायदा नहीं मिला है और कहीं से कुछ हो नहीं पाया है, संघर्ष कर रहा हूँ। चलिए, संघर्ष तो जीवन का दूसरा नाम है। आप मनीष जी, इतने हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आपने फिल्म स्टार की चर्चा हमने की है ऋतिक रोशन के बारे में, आपने उनका देखा होगा 6 उंगली है जो उनकी खासियत है, और उसके बदौलत लोग कहते हैं, जैसा कि हमने भी सुना है अब तक विद्वानों के मुँह से, कि जिनके पास अधिक उंगली होते हैं वो ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। तो भले ही आपको ऐसा अभी तक नहीं लगा हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा होगा। आप ये बताएं कि ये जन्म से ऐसा है या बाद में होता है? अक्सर कई बार होता है कि शरीर की जी मेरे हाँ। जन्म से ही है ये हमारे जी, जन्म से ही मेरे उंगली सब 7-7 उंगली 6 उंगली सब जन्म से है मेरे। हैंडीकैप जो मैं हुआ तो 5 साल की उम्र का था, उसके बाद मेरे गार्जियन को पता चला कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये है कि पोलियो नहीं है लेकिन हाँ हैंडीकैप है। मतलब हैंडीकैप में मतलब पाँव से हैंडीकैप में है जी। तो इसका कोई मतलब सरकारी फ़ायदा भी नहीं? सर्टिफिकेट हम बनाए हुए हैं सब फॉर्म, जैसे गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं तो अटैच करते हैं विकलांग का सर्टिफिकेट का, लेकिन कोई फ़ायदा
नहीं मिला है अभी तक। बहुत दुखद बात है कि आप राजधानी में हैं फिर भी सरकार इनकी बात को नहीं सुन पा रही है। खैर कहीं भी हो, राजधानी हो या किसी सुदूर गांव में भी होते तो ये इनका जो हक है इनको मिलना चाहिए था। चलिए मनीष जी, हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमको सुनने में आया था कि आपने इस चीज़ के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अप्लाई किया है, इसका क्या प्रोसेस है? मैंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में, मैं तो कभी सोचा नहीं था। हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ हमारे एक सीनियर थे, तो बैठे हुए थे हम लोग, आए थे मार्केट से, तो सर लोग पेपर ऊपर पढ़ रहे थे, तो गिनीज बुक का कुछ चर्चा था। हमारे सर विवेकानंद नाम है उनका, तो उन्होंने कहा मनीष तुम्हारा तो इतना उंगली है, चर्चा में हंसी मजाक में उठा। तो हम बोले हाँ भैया है, भैया करते हैं हम लोग, तो हाँ है, तो गिनीज बुक में क्यों नहीं क्लेम करते हो? तो हम बोले सर हम कहाँ से कर पाएंगे, हमारा उतना शक्ति या ताकत और पहुँच है नहीं, नॉलेज। तो उन्होंने मेल किया, तो वहाँ से रिवर्ट आया कि आप ये प्रोसेस कीजिए। तो हमने प्रोसेस किया, पहला क्लेम हमने 2011 में किया था, तो वहाँ से डॉक्यूमेंट, तो फिर हमारे पास उतना शक्ति नहीं कि हम पूरा उनका डॉक्यूमेंट और क्या क्या डिमांड था पूरा कर सके, जिस कारण से फिर नहीं हो पाया हमारा। फिर हमने दूसरा क्लेम किया है, तो आप लोग के माध्यम से भी हेल्प मुझे मिल रहा है और हम चाहते हैं कि मिले कुछ, ताकि वहाँ तक भी बात पहुँचे। जी बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास होगा कि आप हमारे पटना को एक नया पहचान दे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। इससे पहले बहुत लोग आए हैं, आप भी जाएं और आपकी जो लोग इसको आपकी कमी मानते हैं, आप उनको साबित कर दें कि ये कमी नहीं है, आपकी ताकत है, और इस ताकत की बदौलत आप बहुत दूर तक जाने वाले हैं। ऐसे ही मैं मजाक से आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि कहते हैं हिंदू धर्म में आप देखते हैं देवी देवताओं को बहुत सारे हाथ हैं वगैरह वगैरह, आपकी भी उंगली हैं, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप भी कुछ विशेष हैं धरती? विशेष है क्या? विशेष अगर कुछ मेरे साथ कुछ विशेष हुआ रहता अच्छा, तो थोड़ा सा और लगता कि कुछ विशेष है। लेकिन हाँ चलिए, अच्छा लगता है कि कम से कम लोग जुड़े हुए हैं हमसे, इससे समाज में। विशेष कहने का मतलब कुछ अच्छा होने से नहीं होता, अच्छा करने। हाँ, आप हो सकता है कि समाज में कुछ अच्छा करने वाले हो। जी, तभी आपका नाम। हाँ तो मैं वही करने का तो कोशिश करता हूँ इस माध्यम से भी। अगर आज मेरा नाम हो जाए, कुछ सरकार से हेल्प मिले, हमारे जैसे जो लोग हैं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम हो जाए, कुछ आने लगे अच्छा, तो फिर मैं भी अपने जैसे लोग का हेल्प करूँ, ये अच्छा होगा। जो भी हैंडीकैप हैं लोग, रोड पे हैं, उनका कोई ध्यान देने वाला, मैं चाहता हूँ कि इस टाइप का मैं कुछ हेल्प करूँ, मेरे पास वो शक्ति हो जाए। आप जैसा कि अभी बताएं कि आप हैंडीकैप्ड की बात करते हैं, हैंडीकैप्ड हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैंडीकैप्ड को एक नया नाम दिया, दिव्यांग। जी, आपको देखकर हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सच में हैंडीकैप्ड लोग दिव्यांग ही होते हैं, उनका कोई ना कोई चीज़ ऐसा होता है जो दिव्य होता है, और आप में भी ऐसा कुछ होगा। आप तो खैर ईश्वर के अनमोल उपहार हैं धरती पे, और उम्मीद करते हैं कि आपके साथ बहुत अच्छा होगा आने वाले समय में, और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं, कम से कम अपना एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी जीने के लिए एक कम से कम जॉब का फॉर्म भरे, कुछ ध्यान दे जॉब, एक अपील कर रहे हैं, और कुछ अच्छा हो, बस यही चाह रहे हैं हम। अभी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? अभी हम कैनोपी में सीम सेल करते हैं, आ जाता है 2-4 रुपया, कुछ अच्छे लोग हैं उनसे कुछ हेल्प अपना मिल जाता है, तो चल रहा है अपना गुजारा। आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं आप लोगों को कि देखिए, जो भी है, अगर आप हमारे जैसे लोग को, आप लोग सब मिलकर अगर एक का भी हेल्प कर दीजिएगा, तो उसका उद्धार हो जाएगा, उससे आपका कुछ घटने जा रहा नहीं है। ठीक है, हेल्प कीजिए, और हमारे इस न्यूज़ को कम से कम सरकार तक पहुंचाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपकी न्यूज़ को जनता भी शेयर करेगी और हम तो सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम आए, और हम उस वक्त आपका एक खास इंटरव्यू लें और तब लोग भी आपको देखें और गर्व करें। और चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी बातों को सुनेगी, इनकी मजबूरियों को समझेगी, और इनके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगी। धन्यवाद, मैं हूँ प्रियांक सौरभ, आप देख रहे थे बिहारी.न्यूज़।